तो फ्रेंड्स ये तीन सरकारी जॉब कर सकते हैं अपने पंचायत में रहकर। तो कौन वो तीन जॉब है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। और इसमें सैलरी और कमीशन भी है जो कि आपको डायरेक्ट भर्ती है, इसमें नो एग्ज़ाम डायरेक्ट भर्ती है और बिहार से हैं तो इसे आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। पंचायत लेवल का ये जॉब है दोस्तों, अपने पंचायत में रहकर आप जॉब कर सकते हैं। तो जो लोग भी पंचायत में रहकर जॉब करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशल बनाया हूँ, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है कि अपने पंचायत में रहकर भी वो अपने जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों तीनों का तीनों जो हो गया, आप देखिएगा तीन मैं बताने वाला हूँ तीनों को पद के बारे में, तीन तीन को जो काम है वो काम के बारे में बताऊँ, तो आप तीनों के तीनों देखिएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ मैं कि बैंक मित्र का, बैंक मित्र दोस्तों अपने पंचायत में रहकर आप बैंक खोल सकते हैं, जो कि जो भी जो मेन ब्रांच होता है प्रखंड स्तर पर बैंक होता है उनमें जो बैंक की सुविधा होते हैं जो काम होते हैं वो काम अपने पंचायत में रहकर आप मिनी बैंक यानी कि बैंक मित्र खोल सकते हैं। तो दो और आगे है तो वो भी पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पहले ये देख लीजिए उसके बाद वो भी देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो दोस्तों इस बैंक मित्र बनने के लिए आपको जो भी जो होता है प्रखंड लेवल पर बैंक होता है उस बैंक में मेन शाखा में जाकर आप अपने बैंक के मैनेजर से प्रबंधक से आप बात कर सकते हैं, उसको कैसे आप लेना चाहते हो उससे बात कीजिएगा, वो कैसे मिलेगा वो आपको पूरी जानकारी आपको वो दे देगा। और आपको बता दें कि उसमें आपको सैलरी भी मिलता है बैंक में तो जब आप बनते हैं, और कमीशन भी, कमीशन कैसे है तो आप जितना भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से जितना भी लेन देन आप करते हैं उसका भी आपको वो कमीशन बनेगा, वो भी आपको कमीशन मिलेगा और बैंक से भी आपको दिया जाएगा सैलरी। तो आप बात करते हैं कि कौन होते हैं बैंक मित्र, तो बैंक मित्र में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा दिया गया है। खासतौर पर यह लोग उन जगहों पर कार्य कर रहे हैं जिन जगहों पर न कोई बैंक शाखा और न कोई ATM है, तो ऐसे में यह लोग आप तक पहुँच कर आपको योजना के संबंधी जानकारी से लेकर आपको धनराशि पहुँचाने तक का कार्य करते हैं जो कि आप अपने पंचायत में रखकर इसे कर सकते हैं। तो बैंक नियुक्त करेंगे 50,000 बैंक मित्र। तो यहाँ पे दिया गया है कि बैंक मित्रों के लिए बनी स्कीम में जहाँ उनका न्यूनतम यहाँ पे देख सकते हो कि 5,000 रुपये वेतन प्रतिमाह फिक्स किया गया है, वही खाता खोलने और उनमें होने वाली लेन देन के लिए कमीशन जी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कमीशन अलग से तय किया गया है। इनके अलावा कंप्यूटर वाहन आदि खरीदने के लिए 1.25 लाख रुपये का कर्ज मिलेगा और बैंक मित्र का काम के लिए कंप्यूटर वाहन आदि का भी जरूरत पड़ेगी। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री के अधिकारी के अनुसार बैंक मित्र की जरूरतता को देखते हुए स्कीम में प्रावधान किया गया है वही 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि 18 से 60 तक उम्र है तो इसको आप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति बैंक मित्र बन सकता है। इसके अलावा सेनावृत्ति हो चुके बैंक कर्मचारी, शिक्षक, बैंक, सेना में सेना के व्यक्ति भी इसके लिए पात्र होंगे। और साथ ही केमिस्ट शॉप, किराना शॉप, पेट्रोल पंप, स्वयं सहायता समूह, PCO और उसके बाद यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर आदि बैंक मित्र बन सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट है या बेरोजगार है तो आप बन सकते हैं। और सरकार की इस स्कीम से हजारों लोग अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलने की संभावना है। और ये रहा क्या क्या कर सकेंगे बैंक मित्र, तो क्या इसका यहाँ पे काम दिया गया कि क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसके लिए क्या आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या काम है, तो मैं अगले पॉइंट पर बात करता हूँ दूसरा पॉइंट कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। तो जो लोग भी बनना चाहते हैं तो ये बन सकते हैं, इसको डायरेक्ट दोस्तों ये जॉब होती है। तो दोस्तों आप बैंक में बैंक मैनेजर जो होता है शाखा प्रबंधक वहाँ उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं लेने के लिए। अब बात करते हैं दूसरा, तो यहाँ पे ग्रामीण युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर, ऑफलाइन फॉर्म है उसका 10th पास इस फॉर्म का भर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट भर्ती है, इसमें ना कोई एग्जाम है, ये दूसरा पॉइंट है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कृषि विभाग के तहत ये है ग्रामीण युवाओं का रोजगार का सुनहरा अवसर, ग्राम स्तर पर मिट्टी जांच प्रयोगशाला का
काम है। यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रामीण स्तर मिट्टी जांच प्रयोगशाला यानी कि मिनी लैब की स्थापना करने को लेकर है, ये दूसरा जॉब मैं बता रहा हूँ। और तो यहाँ पे बात करते कि आवेदक लाभुक का, तो यहाँ पे आवेदक कम से कम यानी कि सेकेंड डिवीज़न से विज्ञान विषय के साथ परीक्षा मैट्रिक उत्तीर्ण हो, तो इसे जिन्हें यहाँ पे लिखा गया कि कंप्यूटर की जानकारी हो तो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक के पास ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए स्वयं का निजी भवन हो अथवा कम से कम 4 साल के लिए लीज पर भाड़े पर भवन हो यानी कि दुकान हो। तो जो लोग भी मैं इसमें इस वीडियो पर डीप में पूरा मतलब कि गहराई से बताया हूँ, तो आप आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया हूँ जहाँ से आपको पूरा डिटेल्स में बताया हूँ, तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है इस वीडियो को पूरा, मैं कैसे का आवेदन होता है तो पूरी जानकारी मैं बताया हूँ, तो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आवेदक जमा करने की प्रक्रिया, तो आवेदक संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं और यहाँ पे आवेदक निर्धारित प्रपत्र में ही समर्पित किया जाएगा और निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ दिया गया है। तो आपको बता दें कि ग्राम स्तरीय मिट्टी प्रयोगशाला प्रशिक्षण प्रयोगशाला का मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्य के लिए सेवा ली जाएगी और इस सेवा के विरुद्ध इन प्रयोगशालाओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर से राशि का भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं, ये रहा फॉर्म दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि इसको भरने के लिए आपको यहाँ पे जो होता है आवेदक संबंधित अपने ज़िले में ही जाकर जिला कृषि पदाधिकारी से कार्यालय में आवेदन जमा कर सकेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट का, तो इसके लेकर आप देख सकते हो, यह हो गया बिहार परिवहन विभाग की तरफ से। तो बिहार के सभी ज़िलों में ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति है, तो आपको इसमें योग्यता जो हो गया 12वीं पास, तो इसको लेकर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि परिवहन विभाग बिहार सरकार वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलना हुआ आसान, प्रदूषण जांच केंद्र के लाइसेंस के लिए नहीं जाना होगा मुख्यालय। पहले ये जिला स्तर पर होता था, अब इसको प्रखंड या प्रखंड स्तर पर आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जिला परिवहन पदाधिकारी करेंगे नए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र के लाइसेंस का निर्गत एवं नवीकरण। तो प्रखंड में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का सुनहरा अवसर, तो विज्ञान के साथ इंटर पास कोई भी व्यक्ति खोल सकते हैं प्रदूषण जांच केंद्र। तो इसके लेकर यहाँ पे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन कहाँ भरे, तो अपने संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में। जी दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस बताया गया कि अपने अपने ज़िले में जाकर अपने संबंधित ज़िले के परिवहन कार्यालय में जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन कर सकते हैं आवेदन। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मेडिकल इलेक्ट्रिकल अथवा ऑटोमोबाइल अभियंतर में डिप्लोमा और डिप्लोमाधारी हो या इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा विज्ञान के साथ उत्तीर्ण हो। तो पहले क्या था कि पहले आपको यहाँ पे दिया गया है जो ऊपर वाला जो लाइन दिया गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल और उसके बाद ऑटोमोबाइल जो लोग किए हुए थे उन्हीं लोगों का ये फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इस बार से क्या कर दिया गया है कि इंटर पास है सिर्फ आप 12वीं पास विज्ञान के साथ, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वही मोटर वाहन में संबंधित किसी भी ट्रेड में ITI हो तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा जिला का नाम यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर 38 जिलों में इन 329 प्रखंड में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र के लिए रिक्तियां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा लिस्ट यहाँ पे पूरे ज़िले का यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन सा प्रखंड में सीट है ये पूरे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन ऑनलाइन फॉर्म इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन पत्र के माध्यम से किए गए अनुगप्ति लाइसेंस शुल्क का रसीद और अन्य कागजात संलग्न कर संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ साथ क्या करना होगा, संलग्न, तो आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, पैन कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड और छायाप्रति और यहाँ पे मैकेनिकल जो भी यहाँ पे डिग्री है वो और यहाँ पे वाहन प्रदूषण जांच केंद्र हेतु प्रस्तावित स्तर संबंधित कागजात अथवा किरायानामा, निजी जमीन का रसीद आदि और प्रस्तावित जाँच केंद्र का फोटो आदि, शपथ पत्र और बैंक स्टेटमेंट, और इसमें ऑनलाइन प्रोग्रेस
के माध्यम से 6,000 रुपये आवेदन शुल्क और 1,000 रुपये में अनुगप्ति शुल्क 5,000 रुपये है। तो दोस्तों ये रहा कि अपने ये तीन को मैंने आपको बताया जो कि अपने पंचायत या ब्लॉक में रहकर जॉब कर सकते हैं, जो कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पूरे डिटेल्स में बता दिया हूँ, और इस वीडियो को आप डीप में जाना चाहते हैं तो आपको ये भी आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, तो इसी वीडियो को आप देख सकते हैं जो कि मैं पूरा इसको डिटेल्स में बताया हुआ हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी में बिहार जॉब से रिलेटेड पल पल खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।